अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब एकदम बहुत ही अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपनी फैमिलीज के साथ खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। तो चलिए अपने आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। और आजकल वेदर इतना हसीन होया हुआ है कि बारिशें ही बारिशें हो रही हैं, तो आई होप आप सब लोग भी बारिशों को इंजॉय कर रहे होंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा बारिशों को इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि ये मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सुबह उठते साथ आजकल मैं फ़ौरन ही टेरेस में वेदर देखने के लिए आती हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि आज कैसा मौसम है। और जब भी मैं बाहर आती हूँ तो आजकल ऐसे ही हो रहा है कि काले बादल ही देखने को मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हवा भी बड़ी अच्छी चल रही होती है। तो मौसम तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही सुहाना हो गया है। तो इस सुहाने से मौसम में चलिए जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट की तैयारी तो मैंने कल रात से ही शुरू कर दी थी। कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कुछ ज़्यादा ही मिकदार में मैंने प्याज चॉप कर लिया था, तो थोड़ा सा प्याज मैंने एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लिया था। तो इसे आज मॉर्निंग में मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ और आज मैं ऑमलेट बनाऊँगी तो इसमें प्याज यूज़ हो जाएगा। और प्याज में हरा धनिया और हरी मिर्चें सब ऐड है, तो इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मैं अंडे ऐड करूँगी और ऑमलेट तैयार कर लूँगी। ऑमलेट की तैयारी तो मैंने कर ली है। अब कल रात में आलू वाली रोटियां जो पकाई थी ना, तो उसकी पीठी बची हुई थी, तो मैं यही सोच रही थी कि अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद रखूंगी तो ये पानी छोड़ देगी, तो इससे बेहतर यही है कि मैं इसको इस्तेमाल कर लूं। तो इसका मैं सोच रही थी क्या करूँ, तो फिर मुझे एकदम से ख्याल आया कि क्यों ना इसकी टिकियाँ ही बना ली जाए। तो ब्रेकफास्ट में ऑमलेट के साथ मैं आलू वाली टिकियाँ भी बनाने वाली हूँ, तो ये वही बैटर है आलू वाली रोटियों का। तो इसको मैं टिक्कियों की शेप दे लूँगी और अंडा लगा के फ्राई कर लूँगी। तो चलिए अब जल्दी से ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। सारी तैयारियाँ तो हमारी मुकम्मल हो गई हैं। और आज सुबह मैं जैसे ही सो के उठी ना, तो इस कदर ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई थी क्योंकि आज रिबा का सेकेंड पेपर है, तो उसे टाइम पर स्कूल छोड़ने भी जाना है, तो 1 बजे उसका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से ही ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो मैंने कुछ ऐसा किया कि वीडियो बनाने में तो थोड़ी सी देर हो जाती है, तो सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट बना के रिबा को दे आई ताकि वो आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर ले, क्योंकि वो स्टडीज़ कर रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि व्लॉग तो साथ साथ बनता रहेगा, मैं पहले उसको ब्रेकफास्ट बना के दे आती हूँ। तो रिबा को तो मैं ऑमलेट बना के दे आई थी और अब मैं जल्दी से टिक्कियाँ फ्राई कर लूँगी। तो रिबा मुझे कहने लगी कि मैं ऑमलेट के साथ ही ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, टिक्की मैं बाद में चाय के साथ खा लूँगी। तो इसलिए मैं फिर आराम से टिक्कियाँ फ्राई करने लगी, क्योंकि इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना था, लो फ्लेम पे इन्होंने टूट जाना था। हालांकि मैंने इनको अंडा लगाया हुआ था, लेकिन चूंकि ये टिक्कियों वाला बैटर नहीं था, आलू वाली रोटियों वाला बैटर था, और इसमें कुछ भी ऐड नहीं था, ना मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया हुआ था और ना ही इसमें अंडा ऐड किया हुआ था, तो सिर्फ अंडा लगा के ही इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो इनको मीडियम फ्लेम पे ही मैंने फ्राई किया, और अगर ज़्यादा ही हाई फ्लेम रखती तो इन्होंने ज़्यादा ही रेड हो जाना था, तो इसलिए मैं इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करती रही और साथ साथ मैं चाय भी बनाती रही और बाकी सबका भी ब्रेकफास्ट बनाती रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे हमारा ब्रेकफास्ट तो तैयार हो गया था। और जब अरीबा का पेपर होता है तो सारे ही टाइम पर उठ जाते हैं, क्योंकि बच्चों को तो शौक होता है कि वो अरीबा को स्कूल छोड़ के आएंगे, और अम्मी भी साथ ही उठ जाती हैं। हालांकि नॉर्मल डेज में सब लेट तक ही सोए रहते हैं, लेकिन जब भी अरीबा का पेपर होता है तो सभी उठ के बैठ जाते हैं, तो इसलिए फिर सभी उठ गए थे, तो हमने जल्दी से ब्रेकफास्ट भी कर लिया। और ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर ही हम लोग घर में रुके और फिर हम अरीबा को छोड़ने के लिए चले गए। और पहले तो ऐसा मौसम था कि जब हम लोग घर में थे तो काले बादल आए हुए थे, और जब हम लोग रिबा को स्कूल छोड़ने गए तो इतने ज़्यादा गहरे बादल आ गए, इतने ज़्यादा घने बादल आ गए कि ऐसे लग रहा था अभी फ़ौरन से ही बारिश स्टार्ट हो जाएगी। और जब हम रिबा को सेंटर में छोड़ के वापस आ रहे थे तो सारा रास्ता मैं यही दुआएं कर रही थी कि अल्लाह करे सब बच्चों के लिए मैथ्स का पेपर बहुत ज़्यादा ईजी हो। तो मैथ्स का जो सब्जेक्ट है तो वो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था, मैं कभी भी मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, हालांकि बाकी सब्जेक्ट्स मैं इजीली पढ़ लेती थी, लेकिन मैथ्स तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता था। और अल्लाह अल्लाह करके ही मेरे मैथ्स में थोड़े से अच्छे नंबर आ जाते थे, तो मैं तो कभी भी मैथ्स में ज़्यादा अच्छी नहीं रही। लेकिन आजकल के बच्चों की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, हम लोग इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया करते थे,
तो इस वजह से शायद हमारा मैथ्स ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं तो वो बहुत ज़्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस किया करते हैं, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जी रीबा का पेपर आज का बहुत अच्छा हो गया था। और जब हम रीबा को छोड़ के वापस घर आ रहे थे ना, तो रास्ते में इतने ज़्यादा फ्रूट्स नज़र आ रहे थे कि जी चाह रहा था कि रुक के यहाँ से थोड़ा सा फ्रूट ले लें, लेकिन फिर ये भी डर लग रहा था कि कहीं बारिश स्टार्ट ना हो जाए, तो इसलिए बेहतर हमें यही लगा कि हम इस वक्त तो फ़ौरन घर जाते हैं और फिर वापसी पर जब रीबा को स्कूल लेने के लिए जाएंगे तो उस वक्त देखेंगे, अगर कोई फ्रूट उस वक्त नज़र आया तो ले लेंगे। और जैसे ही हम रीबा को स्कूल छोड़ के वापस घर आए तो इतनी शदीद बारिश हुई और हमने शुक्र अदा किया कि हम टाइम पे ही घर वापस पहुंच गए हैं, क्योंकि इस कदर शदीद बारिश थी। तो अभी मैं आपको थोड़ी सी साउंड भी सुनाती हूँ, देखिए किस कदर शदीद बारिश हुई है आज। और जब इतनी शदीद बारिश में आप लोग कहीं रोड पे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, तो अल्लाह ताला हैर करे, तो इसलिए हम तो जल्दी से आज घर वापस आ गए थे। और जैसे ही हम लोग घर पहुंचे तो मेरी हेल्पर्स भी आ गई थी, तो उन्होंने ही मुझे आके बताया कि बाहर आके देखें किस कदर शदीद बारिश हो रही है। और जब मैंने देखा तो मैं देखती ही रह गई, इतनी शदीद बारिश थी, इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी कि मैं काफ़ी देर तक बारिश को ही देखती रही, बल्कि हम सब लोग ही वहाँ पर खड़े होकर बारिश को देखते रहे। और बारिश का रुख भी कुछ इस तरह का था कि वो टेरेस से सीधी अंदर की तरफ ही आ रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा जगह वहाँ से गीली भी हो गई थी, लेकिन हम लोग भी वहाँ पे ही खड़े रहे और काफ़ी देर तक बारिश को एंजॉय करते रहे। तो बारिश को देखना वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर कभी मैं रोड पे हूँ ना और बारिश हो जाए और वो भी इतनी ज़्यादा शदीद, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दिल भी घबराता है और डर भी लगता है। तो इसलिए आज मैंने रास्ते में कहीं भी रुकना मुनासिब नहीं समझा, तो फ़ौरन से ही मैं घर वापस आ गई। और आजकल ना डेली ऐसा मौसम ही देखने को मिल रहा है, तो खूब इंजॉय करिए बारिश को और खूब मज़ेदार से खाने पकाइए अपनी फैमिलीज़ के साथ, बहुत इंजॉय कीजिए, क्योंकि आजकल मौसम भी बहुत अच्छा है और अच्छा मौसम देख के ना मूड भी बड़ा अच्छा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम रीबा को घर वापस ले आए हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बारिश रुक गई थी। और जैसे ही हम लोग घर से निकले तो उस वक्त बादल ही थे, बारिश ख़त्म हो गई थी, बल्कि हल्की हल्की सी धूप भी निकल आई थी, तो आजकल मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता, पल में बारिश हो जाती है और पल में ही धूप निकल आती है। और जब हम रीबा को लेके वापस घर आए तो रास्ते में रीबा हमें पूछ रही थी कि रोड सारी गीली हुई हुई है, कि अभी बारिश हुई थी तो उसको पता ही नहीं चला कि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। और जब मैंने उसे पूछा कि तुम्हें ज़रा भी पता नहीं चला कि बारिश हुई है, तो उसने हमें बताया कि जिस रूम में मैं बैठ के पेपर देती हूँ वो बहुत ही कंजस्टेड रूम है, यानी बहुत ही ज़्यादा छोटा है और वहाँ से बिल्कुल भी बाहर दिखाई नहीं देता, तो ऐसे में हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं चला कि बारिश हुई है। और वापसी पे आते हुए ना हम पानी की बोतलें फिल्टर प्लांट से भर रहे थे, क्योंकि घर में पानी बिल्कुल ही ख़त्म हुआ हुआ था। और अब जो मैंने बिरयानी बनाई हुई थी ना, तो वो बची हुई पड़ी हुई थी, क्योंकि कल तो हमने आलू वाली रोटियां बना ली थी, तो ये एक दिन पहले की बिरयानी है, तो ये बच गई थी और कल में भी हमने इसे नहीं खाया, तो आज इसे हम लंच में खा रहे हैं। क्योंकि जब रीबा गई हुई थी ना, तो उस वक्त तो बिल्कुल भी कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसका मैथ का पेपर था तो डर मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने लंच बिल्कुल भी नहीं किया। और अब जब हम लोग घर वापस आ गए हैं तो मैंने शुक्र का सांस लिया है, क्योंकि उसका पेपर अच्छा हो गया है, तो अब भूख भी बड़ी ज़्यादा लग रही है, तो मैं जल्दी से थोड़े से चावल गर्म कर लेती हूँ। और मैं तो राइस ओवन में भी गर्म करके खा लेती हूँ, लेकिन अरीबा को राइस तवे पे ही गर्म किए हुए अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाते हैं और बड़ी अच्छी तरह से गर्म भी हो जाते हैं, तो वो तो हमेशा लेफ्ट ओवर राइस तवे पे ही गर्म करके खाती है। तो उसके राइस तो मैंने फ्राई पैन पे गर्म कर दिए हैं और अपने राइस मैं ओवन में गर्म कर लूँगी। और जब मैं बिरयानी गर्म करने लगी थी तो सब ही कहने लगे कि हम लोग भी थोड़े थोड़े से लेंगे, तो इसलिए मैंने सारी ही बिरयानी गर्म कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी बिरयानी ख़त्म भी हो गई। और अब मैं डिनर की तैयारी करने लगी थी, तो मॉर्निंग में ही मैंने फ्रीज़ किया हुआ कीमा निकाल के रख दिया था ताकि ये शाम तक मेल्ट हो जाए, और वो मेल्ट भी हो गया, तो अब मैं इसे मिक्स करने की तैयारी कर रही थी। तो इसके लिए मैं प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया चॉप कर रही थी, और सब चीज़ें चॉप हो गई हैं तो मैं इसे मिक्स कर लूँगी। तो आज मेरा जी चाह रहा था कि हम कीमे वाली टिक्कियाँ बनाएँ या कीमे वाले कबाब बना लें, तो इसलिए मैं कीमा मिक्स करके रख लूँगी। और जब कीमा मिक्स किया हुआ पड़ा होना तो काफ़ी ज़्यादा आसानी भी हो जाती है, कभी कभार जी नहीं भी चाहता कुछ पकाने को, तो ऐसे में अगर कीमा मिक्स किया हुआ पड़ा हो तो इसका आप कुछ भी बना सकते हैं, चाहे तो कीमे वाली रोटियां पका लें या कीमे की टिक्कियां बना लें।
और मेरे बच्चों का तो जी चाहता है कि घर में जब कभी भी कीमा मिक्स हो तो उसके कीमे वाले नान ही लगे, क्योंकि उनको इतने पसंद है ना कि वो कहते हैं कि जब भी कीमा मिक्स हो तो कीमे वाले नान ही लगवाए जाएं। तो कीमा तो मैंने मिक्स करके रख लिया है, अब जो भी जी चाहेगा तो हम इसका बना लेंगे। और जब कीमा मिक्स किया ना मैंने तो इतना ज़्यादा मज़े का मिर्च मसाला मैंने ऐड किया था कि मेरे मुंह में ऐसे ही कच्चा कीमा देख के पानी आ गया, और फ़ौरन से ही मैंने इसके थोड़े से कबाब बना लिए ताकि हम इसे केचप के साथ इंजॉय कर सकें। तो चाय का एक कप मैंने अपने लिए बना लिया था ताकि मैं चाय के साथ कबाब को इंजॉय कर सकूँ। और जब कबाब मैंने बनाने होते हैं ना तो मैं कोई भी चम्मच लेके इसकी बैक साइड के ऊपर ही कबाब बनाती हूँ, तो इस तरह से वो बिल्कुल बाजार की शेप में तैयार होते हैं। वरना अगर कबाब हाथों में लेके तैयार किए जाएं तो इस तरह से वो बड़े ही ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, क्योंकि जब ये फ्राई होते हैं ना तो सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये मोटे मोटे हो जाते हैं। और अगर इन्हें थोड़ी सी लंबी शेप दी जाए ना तो इस तरह से कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं और अंदर तक पक जाते हैं। तो लो फ्लेम पे मैंने स्लोली स्लोली कबाब फ्राई किए ताकि कीमा अंदर तक गल जाए, और साथ ही मैंने दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया ताकि उतनी देर में ही कबाब फ्राई होंगे और साथ ही दूध भी बॉयल हो जाएगा और मेरे नाइट के सारे काम भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूध भी बॉयल हो गया और साथ ही कबाब भी फ्राई हो गए, और गर्मा गर्म कबाब इतने मज़े के लगे ना कि हमने इन्हें फ़ौरन से ही खा लिया। और बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का कीमा मैंने मिक्स किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके जो कबाब बनाए थे मैंने वो भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। और आज कीमे वाली टिकिया बनाने का इरादा तो कर लिया था लेकिन घर में दही बिल्कुल भी नहीं था, तो इसलिए मैं बाज़ार से ही रायता ले आई हूँ और साथ में मैं थोड़ी सी योगर्ट भी ले आई हूँ, तो इसको मिक्स करके ही मैं रायता बनाने वाली हूँ। और अब बच्चे मुझे कह रहे थे कि कीमे के कबाब तो हमने खा लिए हैं, अब कीमे वाली रोटियां ही बना लें क्योंकि हमने कबाब दोबारा से नहीं खाने। तो आज तो मैंने आटा गूंदा ही नहीं था और ना ही मेरे पास गूंदा हुआ आटा पड़ा हुआ था, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं मार्केट से नान ही लगवा के ले आती हूँ और जल्दी से हम अपना डिनर कर लेते हैं, क्योंकि अब मैं बहुत थक भी गई थी और अब आटा गूंदने को बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा था, तो इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि मार्केट से जाके नान ही लगवा के ले आए, और वैसे भी नान बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं नान लगवाने के लिए मार्केट चली गई हनान के साथ। तो नान तो मैं लगवा के ले आई थी और ये पहले की निस्बत आज ज़्यादा अच्छे बने हैं, मिर्च मसाला सब कुछ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था और हमने इन्हें बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया क्योंकि ये खाने में इस कदर मज़ेदार लग रहे थे। इनके ऊपर मैंने बटर लगवाया था और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हुए थे और बहुत ही मज़ा आया इन्हें खा के। तो बस अब हम अपना डिनर कर रहे हैं और अपने आज के व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो आपसे मैं मिलूँगी दोबारा कल एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहें, आबाद रहें और अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा मज़े में रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़।